वैशाली के महुआ थाना चौक के पास दो ट्रैक्टरों के चपेट में आने से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। खबर वैशाली जिला के महुआ से है, जहां के थाना चौक के पास दो ट्रैक्टरों के बीच एक बाइक आ गया, जिस पर सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए महुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला को गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज थाना क्षेत्र के घटारो गांव निवासी संत लाल दास अपनी पत्नी चिंता देवी के साथ भताही जा रहे थे। इसी दौरान थाना चौक के पास उनकी बाइक दो ट्रैक्टर के चपेट में आ गई, जिसके कारण संत लाल राय और उसकी पत्नी चिंता देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस ने इलाज के लिए महुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिंता देवी को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया है। गौरतलब हो कि महुआ थाना चौक के पास अवैध रूप से बस पड़ाव और ऑटो स्टैंड बना हुआ है, जिसके कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं महिला चिंता देवी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर किया गया है।